हेलो। हेलो। हाँ बोलो दोस्त। हेलो सर। हाँ बोलो। तो आपने जब वीडियो का स्टार्ट किया था और शिल्पी मैडम देखी, शिल्पी थर्ड मैडम राइट थी। राइट। हाँ, तो उसका देखने के बाद मुझे भी डाउट आया कि मैं भी नोएडा में ही जा रहा हूँ और इनका होगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट आया। सर ओके। अच्छा बिलीव मी, अभी तक उनका कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है। इट्स बीन अ अच्छा 3 ईयर्स नाउ। ये कौन सा प्रोजेक्ट था? का कोड नेम, ये लोग कोड रखते हैं ना कुछ तो। हाँ, पलावा सिटी के हाँ अंदर था क्या? नहीं, पलावा नहीं, ये ठाणे में था, अच्छा, माझीवाड़ा करके एरिया है। माझीवाड़ा में। हाँ, हाँ माझीवाड़ा में। सही, तो मैं आपको डिटेल भी भेजता हूँ। तो हाँ ठीक है, भेजो अभी भेजो तक भेजो। वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ओके। हाँ 2 महीना लगा था सर मुझे मेरा खुद का पैसा लेने में, स्ट्रगल करके लेने में। स्ट्रगल करके जाना पड़ा। और राइट। मतलब मैंने जब उनको हिंट दिया कि मुझे दूसरा वे से जाना पड़ेगा फिर ग्राहक मंच में या किस में, तो उन्होंने बोला कि उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग आपको रिफंड कर देंगे सर। मतलब अच्छा। उनका फंडा यह है सर कि लोगों को पीछे लगवा दो, अगर वो मानते नहीं है एंड तक तो उनको दे दो, अगर वो राइट। बीच में कहीं पे भी अगर वो ना बोल देते ठीक है चलो जाने दो, अभी इतना तो दे दो, इतना तो मिल रहा है। राइट हाँ, तो इस पे वो ये हो जाते हैं, मतलब उनका पैसा ऐसे ही निकल जाता है। राइट राइट मतलब उनका सर्विस तो बोगस है ही, क्योंकि मेरा करेक्ट। दोस्त को लेने के लिए मैं पलाव में भी गया था। हाँ। देवर देवर ऑफरिंग 2 BHK in 38 lakhs। अच्छा। तो मुझे डाउट है कि भाई 38 lakhs में तो भी कुछ आता तो है नहीं, पर ये फिर भी दे रहे, तो हम लोग देखना चाहते थे। हमने उनको बोला कि हम लोग सब करते हैं, आप हमें रूम दिखवा दो। अच्छा। बिलीव मी, उन्होंने हमें रूम ही नहीं दिखाया, उन्होंने बस पेज पे प्लान दिखा दिया, ये है वो है। और वो एक बड़ा सा, मतलब सब लोगों को एक अपना सेमिनार टाइप होता है ना, उस राइट। तरह टेबल्स में सबको बिठा के, बिठा मतलब के और जो सेमिनार। कुछ करेक्ट। लोगों ने अगर लिया होगा तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करके, उनको हाँ मतलब गिफ्ट दे के ऐसा कुछ एनवायरमेंट बना दिया था। राइट राइट। फुल ड्रामा कंपनी। ये बहुत इतना बड़ा ड्रामा, मतलब पर मेरे को प्रॉब्लम लोगों से ही है अभी सर। ये लोगों को समझ तक क्यों नहीं है, इनके पास पैसा ज्यादा हो गया कि क्या टाइम प्रॉब्लम, लगता है, क्या है सर? टाइम लगता है। पब्लिक सोचती नहीं है, सोचने के लिए टाइम नहीं है। और ये लोग एडवर्टाइजमेंट और ये सब करके दिमाग में छेद कर रहे हैं, और लोगों के दिमाग में छेद हो गया है। उनको लगता है कि अरे ये सब ऑनलाइन मिलना चाहिए, मिलता है तो ऑनलाइन पे ज्यादा भरोसा भी हो गया है लोगों को, पब्लिक को। मतलब पूरा, मतलब डिजिटल वर्ल्ड का ये, मतलब गैर फायदा बोलते हैं ना, हम लोग मिस यूज करेक्ट। कर रहे हैं, पूरा पूरा का पूरा मिस यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक के इट्स दिमाग रियली रॉन्ग में सर। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे गलतफहमी है लोगों और को। सर मैंने आपका एक और एक वीडियो देखा था जो पलावा सिटी है, पलावा सिटी के पीछे, मतलब वो पूरा अग्री लोगों का एरिया है ना, वो पूरा राइट। नवी मुंबई का। फार्मर्स का एरिया है। करेक्ट तो फार्मर्स लोगों को, मतलब उन्हीं के जमीन में अंदर जाने से इन लोगों ने मना कर दिया था। करेक्ट। इन लोगों ने मतलब ऐसा कर लिया था कि 50-50, 60-60 लाख में, या किसके अगर जमीन ज्यादा है तो 1 करोड़ रुपए में उन्होंने डील तो कर लिया सर, पर उनको इनिशियल अमाउंट दे दिया और भगा दिया, उनको 20-30% दे दिया और बाद में अमाउंट ही नहीं दिया। करेक्ट। तो उन लोगों ने खुद आंदोलन छेड़ा था इसके बेस पे, पर वो लोग बाद में कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिला सर। ये राजनीतिक लोगों से सपोर्ट मिलना चाहिए, वो मिला नहीं। अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ लोग, हाँ सर, लेकिन मतलब थोड़ा 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 हाँ थोड़ा स्ट्रगल करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हारे हुए हैं। सर, रीजन यही है ना, क्योंकि क्या ये नॉर्मल कोर्ट में तो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मुंबई हाई कोर्ट में जाएंगे, और इसकी पहुंच अगर बड़ी है ये तो लीगली एक्शन लेगा कि ये हमें डिफेम कर रहा है बंदा करके, और हाँ दस वही करोड़ कर रहे हैं, वही का कर दावा रहे हैं। लगा देंगे। दो तीन लोगों के ऊपर तड़ी पार का प्रोसीडिंग्स कर दिया है कि तुम लोग अगर चुप नहीं रहोगे, चुप रहने का वादा नहीं करोगे, रिटर्न कमिटमेंट नहीं दोगे, तो हम तुमको तड़ी पार करेंगे, एक्सटर्न करेंगे। पुलिस से ऐसा सब आ जाता है, चैप्टर केसेस आ जाता है, चाहे पुलिस भी उनके साथ कोऑपरेट करती है। पूरा मतलब सर पैसों की वजह से सब खा के तो बैठा है ठीक है, पर पैसों की पूरा वजह से तंत्र नॉर्मल लोग तो मर ही जाएंगे सर। को बेसिकली पुलिस स्टेशन में पैकेट पहुंचता है बोलते हैं ना, वो बिल्कुल सही है। बहुत करप्शन है। पुलिस वाले भी उनके तरफ बात करते हैं, पुलिस उनके के पास भी सर इंचार्ज लीगल भी। पेपर्स हो, लीगल पेपर्स है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाते ना सर। तो लीगल ये पेपर्स पूरा होते बुरा हैं लगता और है वो सर। भी, अभी और अगर आपने पुलिस, अगर क्योंकि मैं एक बार मीटिंग में गया भी हूँ इन लोगों के साथ, अग्री लोगों के साथ, तो ये लोग भी डराते हैं।
उनके आगे वालों को डरा के रखते हैं। कि एक बार मैं थाने पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में गया था उन लोगों के साथ में। ओके। पुलिस कमिश्नर का जो बर्ताव था, अच्छा तुम्हारा बेटे का कुछ प्रॉब्लम था ना, बोलता है एक आगेवान जो आया हुआ था वहां पे, नाम भूल गया हूँ लेकिन वहां का एक ट्राइबल लीडर है, तो तुम्हारा बेटे का ये है ना, ऐसा कुछ बोला उसको तो एकदम ठंडा कर दिया। ओ, मतलब किसी दूसरे केस में उलझा के रखेंगे तो ये केस में वो बोल ही नहीं पाएगा सर। वही तो, डोंट वरी हम संभालते हैं, मतलब बॉस तुम इधर गर्म करोगे तो हम उधर गर्म करेंगे, ऐसा है सर। मतलब ये जो ये ट्रेंड जो है ये बहुत बोगस है सर। अभी जो लवासा सिटी भी जो है ना पुणे में, लवासा सिटी में भी सर यही प्रॉब्लम है, उन लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिला है सर। वो फेल हो गया ना प्रोजेक्ट, तो फेल ही हो गया ना लवासा। हाँ प्रोजेक्ट तो फेल हुआ बट ओनली 50%। उन लोगों का मतलब दो तीन बंदे है, कोई काकड़े करके बंदा है, दो तीन जरा बड़े बड़े लोग है, उन लोगों ने मतलब पूरा ग्रुप में आके वो पूरा रिफॉर्म किया था वो पूरा सोसाइटी। राइट। तो इन लोगों का भी पैसा आना बंद हो गया, केसेस करने लगे तो मुंह छुपाने के लिए उन्होंने सर्विस देना ही बंद कर दिया। एसोसिएशन उन्होंने जैसा पलावा में है वैसा ही एसोसिएशन वहां पर भी बनाया था, वहां पे कोई आता ही नहीं है, कोई आता नहीं, मतलब सरकारी दफ्तर भी उनके सामने ठीक है, इतना गंदा है। नहीं तुम जो कह रहे हो ना बिल्कुल सही है कि पब्लिक एक्चुअली फॉल्ट पब्लिक का है, सबका है, पब्लिक का भी है। पब्लिक का खून बहुत ठंडा रहता है, वो लोगों के ऊपर कोई अत्याचार भी करता है ना वो बोलते नहीं है, अरे क्यों कौन आगे पड़ेगा, कौन उनके सामने पड़ेगा वगैरह वगैरह। अरे बॉस प्रोसीजर वो बड़ा हो जाता है और लोगों को अभी कैसा है सर, अभी कोविड का सिचुएशन तो आपको पता ही है सर, मतलब गरीब लोगों को तो वो मार ही दिया उन्होंने, तो ये ऐसे ऐसे जुमले में और कौन पढ़ना चाहेगा ना सर, तो वो खुद अपना हाथ निकाल लेते, छोड़ो यार ये लफड़ा पढ़ाओ मत, ये इधर ही कैचअप कर लो, जो भी मिलता है ले लो और निकल जाओ सर, ये मेंटेलिटी है लोगों का, पूरा फेक है। मतलब सर ये ड्रीम दिखा तो देते है पर मतलब ऐसा लाइफ तो कोई नहीं जी पाएगा सर फिर। करेक्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डर्स के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इतने ज्यादा वन साइडेड है कि किसी को वो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कर लेते हैं। सर मैं एक बात बोलूं सर, मैं भी मतलब घर देख रहा था ना, तो मैंने ये चीज मैंने भी नोटिस नहीं करी कि हम लोगों को टर्म्स एंड कंडीशंस देखने चाहिए, मतलब और वो समझ लेने चाहिए सर। सर ये चीज कोई नहीं समझ पाता है सर, मैं सीरियसली बोलता हूँ, मतलब कोई नहीं समझ पाता है। मुझे भी अगर मैं तुम मुझे मेरे सामने टर्म्स एंड कंडीशंस रखोगे, अभी ठीक है मेरे को बिल्डर्स वाले टर्म्स एंड कंडीशंस समझ में आते हैं, राइट। अभी सपोज मुझे कल इंश्योरेंस लेना है, ओके हाँ, तो कोई इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस लेना है तो कोई इंश्योरेंस एजेंट आएगा, वो मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में पेपर साइन करवा के ले लेगा। तो सवाल है कि क्या मैं टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ता हूँ क्या, और उसका ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ, नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? अरे यार दो तीन घंटे लगेंगे उसको समझने में, करेक्ट सर, दो तीन घंटे। बात तो बराबर है सर, मतलब घर लेने की खुशी में आप ये चीजें भूल जाते हो और ये लोग उसी का फायदा उठाते हैं सर। करेक्ट। कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। मैंने भी सर समझाता, आपके वीडियोस में शेयर करके लोगों को भी मैंने बोला कि तुम घर ले रहे हो लो, हाँ। तो कुछ वीडियोस जरा देखते जाओ, मतलब अभी क्या चल रहा है ट्रेंड वो तो देख लो कम से कम। आपके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं, आप जैसे 100 लोग है पैसे तो पैसे के मामले में तो सर आपको पता है पैसा तो लोगों के पास बहुत है पर ज्ञान नहीं ले पाते सर, राइट, कहाँ फंस सकते है, कहाँ क्या हो सकता है, होता हो क्या रहा है सर, ये इन लोगों का ट्रेंड ज्यादा बढ़ते जा रहा है सर, मतलब इन लोगों पे कुछ कंट्रोल नहीं आया सर, कंट्रोल नहीं आ रहा है, बराबर है, आई एग्री विथ यू। ये कोरोना के मुझे तो लग रहा है सर ये कोरोना का भी ये लोगों ने फायदा ही लिया है, बेनिफिट ही लिया है, उनके डेडलाइंस पीछे चले गए, उनके डेडलाइंस पीछे चले गए, ऐसे सब हुआ है, आई एग्री विथ यू। अभी सबसे ज्यादा फायदा तो इन्हीं लोगों को मिल रहा है, मतलब सरकार लोगों को फायदा तो नहीं दे रही है पर बिल्डर लोगों को फायदा दे दिया है। करेक्ट। अभी आज कुछ तो प्रीमियम है, उनको कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है, उसमें 50% उनको कॉस्टिंग कट कर दिया है सर। राइट। अच्छा और एक बात अपने को समझना चाहिए कि जिसके पास लॉबिंग करने का प्रेशर है, जिसके पास भी लॉबिंग करने का प्रेशर है, लॉबिंग मतलब गवर्नमेंट में जाके उनके कान में फुसफुसाना,
बराबर कान में फुसफुस आना भाई, मेरा काम साइड में कर देना। हाँ, तो जिसके पास वो करने का पावर है हमेशा उसको फायदा मिलेगा। अभी कॉमन मैन फ्लैट बायर के पास है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। ये मुंबई ग्राहक पंचायत और ऐसे सब बॉडीज बनाए थे, एक जमाने में थोड़ा पावरफुल रहा भी होगा, कंज्यूमर फोरम मूवमेंट। नहीं, कंज्यूमर फोरम मतलब फोरम इज अ कोर्ट, फोरम एक कोर्ट है, लेकिन ये ग्राहक पंचायत वगैरह कोर्ट नहीं है, वो लोग एनजीओ हैं। ओके, करेक्ट। तो ये कंफ्यूजन बहुत होता है पब्लिक को। मुंबई ग्राहक, सर मैं भी खुद उसे कोर्ट ही समझ रहा था। नहीं, मुंबई ग्राहक पंचायत, तो दो चीज है देखो, एक है कंज्यूमर फोरम, तो उसमें है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल फोरम, ठीक है, तीन लेवल पे है। उसका ज्यूरिसडिक्शन बनता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, एक तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अनदर इज अकॉर्डिंग टू अमाउंट, यानी 1 करोड़ से ऊपर का मामला है तो नेशनल फोरम में जाना पड़ेगा, इतने से इतने का है तो स्टेट फोरम में जाना है, ऐसे सब रूल्स हैं उसके, ठीक है। okay. उससे कम में है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है, यानी आपने जैम का बॉटल था और जैम बॉटल में कॉकरोच पाया तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा। ये फ्लैट है और 1.5 करोड़ का फ्लैट है तो आप नेशनल फोरम में जाओगे, ये टाइप से सब है, ठीक है। अरे बाप रे, अभी जो भी है चलो वो उसको बाजू में रखते हैं, लेकिन इसका एक कोर्ट का एक टेंडेंसी होता है। एक पहली बात है कि कोर्ट कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता है, यानी किसी को जिसके साथ अन्याय हुआ है वो फटाफट भाग के जाएगा कोर्ट में तो फटाफट वैसे ही आउट होके वापस आ जाएगा, क्योंकि सब टेक्निकल होता है, बहुत टेक्निकल है, आपको वकील करना पड़ता है, वकील की फीस देनी पड़ती है, उसके बाद अच्छा वकील ढूंढने के लिए भी कुछ दिन लग ही जाते हैं। करेक्ट सर, सारे डॉक्यूमेंटेशन गैदर करने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है, मतलब 1 महीना सर पकड़ ही लो सर, बहुत टाइम, 1 महीना तो बहुत कम है, 1-2 महीना तो सिर्फ वो केस डाल के अंदर दर्ज करने में ही जाएगा, और एकदम कड़ी मेहनत से काम करोगे तो ओके, 1-2 महीने लग जाएंगे तुमको पूरा, और वो भी अच्छा वकील मिलने का नसीब हुआ तो, अगर खराब वकील हुआ तो वहीं पे डुबा देगा तुमको। अच्छा, फिर वो वकील को अगर पहले से पैसे देके बैठते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी भी एक पार्ट है, बराबर, समझो वो बोलता है 1.5 लाख, पहली बात है कि वो तुमसे 1-1.5 लाख लेगा, अभी उसको सुन के लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि जिसका ऑलरेडी लॉस हो गया है उसको तुम बोल रहे हो वापस और 1.5 लाख डालना पड़ेगा तो वो घबरा जाते हैं, तो लोगों को लड़ने के लिए। अच्छा, और दूसरी बात है कि कोर्ट है ना, कोर्ट इक्वल जगह नहीं है, अभी सब हम अगर समझते हैं नहीं कोर्ट उसका भी सुनेगा मेरा भी सुनेगा तो ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में क्या होता है, लोगों का दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि न्याय है, लेकिन न्याय का बात ही नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, प्रोसीजर्स की बात है। प्रोसीजर को कौन समझता है, रूल्स, जैसे कि मैं इसमें क्रिकेट का एक एग्जाम्पल देता हूं, समझो तुम बहुत अच्छा बैट्समैन हो, जबरदस्त अच्छे बैट्समैन हो, लेकिन तुमको किसी ने कोचिंग नहीं दिया है, तो तुम बराबर के सीधा गली क्रिकेट में सीधा चौके छक्के मारते हो, लेकिन टेक्निकली किसी ने कोचिंग नहीं दिया है तो क्या होगा, तुम थोड़ा सा क्रीज के बाहर खड़े रहोगे, बॉलर सीधा विकेट कीपर को दे देगा, विकेट कीपर टक करके उड़ा देगा, विकेट उड़ा देगा और बोलेगा ये क्रीज के बाहर खड़ा था, फिनिश्ड। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग आउट होके आते हैं। कौन? एक तो जो लोग खुद से जाएंगे उनको पता ही नहीं होता है क्या है रूल्स क्या है, वो सीधा टेक्निकल में आउट होके आ जाते हैं, ओके, और उसका फिर कोई निवारण नहीं होता है, उसका अपील नहीं होता है। अगर तुम टेक्निकल में आउट हो गए तो आउट हो गए, फिर आगे चल के तुमको वापस उस चीज को अपील करने को नहीं मिलेगा, वो एक है। दूसरा है तुम्हारा वकील अगर कच्चा खिलाड़ी है तो तुम्हारा वकील कोई भी ऑर्डिनरी आदमी है वो कितने का वकील रखेगा, जो मैक्सिमम हियरिंग में 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5,000 पर हियरिंग लेगा तो उसको घबरा जाएगा ऑर्डिनरी आदमी, बराबर है सर। बिल्डर के जो वकील होते हैं वो सीधा 1 लाख 2 लाख से शुरू होता है और 10 लाख 15 लाख पर हियरिंग, हाईकोर्ट में खड़ा करने का 15 लाख पर हियरिंग, 15 लाख पर हियरिंग मतलब क्या आदमी, और वो इतना सीनियर होता है, वो जो बंदा जिसको खड़ा करते हैं वो जज का भी रिश्ते में बाप लगता है, वो टाइप का सीनियोरिटी होता है उसका, यानी जज भी कहेगा ये मुझे कॉलेज में सिखाता था, ये प्रोफेसर है मेरा,
उस टाइप का रिश्ता होता है उनका, उतना सीनियोरिटी होता है। तो एक साइड में तो तुम्हारा 2000 रुपया पर हियरिंग वाला बंदा खड़ा रहेगा, दूसरे साइड में ये 15 लाख वाला बंदा खड़ा रहेगा, इसके मुंह में से झूठ ही झूठ निकलेगा, 15 लाख वाले के मुंह में से झूठ ही झूठ निकलेगा, झूठ ही निकलेगा 100%। लेकिन उसका झूठ भी जज को प्यारा है, जज को तो क्या सुनना ही है, वो कुछ भी सुन लेगा, उसको जो अच्छा लगेगा वही, उसको आधा घंटा एक घंटा उसका वो बोलते जाएगा, ये सुनते जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट साइड में दूसरा जो लॉयर है तुम्हारा 2000 वाला, उसको एक मिनट भी नहीं देगा बात करने को, और फिर चुप करवा देगा, अबे चुप। वो जज का बॉडी लैंग्वेज ही इतना कड़क होता है, वो दिख जाता है कि अच्छा ये एकदम फेवर दे रहा है उधर सामने, उसका फेवर यानी तुम्हारे तरफ कोई तुच्छ, यानी तुमको एक ना वो नजर से तुच्छ बना देता है, तो कैसा लगता है तुमको, बराबर बोलने की हिम्मत ही नहीं चलती है, फिर कैसे बोलोगे। तो ये कोर्ट में ऐसा सब होता है, जजेस एक तरफ उसके बिल्डर के लॉयर्स को सुनते हैं, एकदम प्यार से सुनते हैं, वो बकवास कर रहा है तो भी रोकते नहीं है, दूसरे तरफ हम लोगों के लॉयर्स को वो लोग ऐसे भकाल के बैठा देते हैं, और तुम्हारा लॉयर डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि कल वापस उसको यही जज के सामने आना है, तो वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेगा तो उसको उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको फिर कल सुनेगा ही नहीं, इसलिए वो जी हुजूर करते रहता है, डर डर के बात करता है। लेकिन इसमें तुम्हारा केस का क्या हुआ, तो तुम्हारा केस सफर हो गया, तो ये टाइप का बहुत नॉर्मल है। तो कोर्ट्स में, कोई भी कोर्ट में बिल्डर्स जीतेंगे। अच्छा दूसरी बात समझो, बिल्डर हारने जा रहा है, मतलब किसी भी वजह से उसका ग्राउंड इतना वीक था कि बड़े बड़े लॉयर्स भी उसके इसको केस को बचा नहीं सके, वो हारने जा रहा है। हर जजमेंट देने से पहले हमेशा जज ये कहते हैं कि कैप्ट फॉर ऑर्डर्स, ओके, या कैप्ट फॉर जजमेंट, मतलब आज मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूं, अगले ईयरिंग में जजमेंट देंगे, ओके। वो हमेशा ऐसे होता है कि समझो 5 ईयरिंग हुआ, उसके बाद कैप्ट फॉर जजमेंट बोल दिया। इसके लॉयर्स का जो उसकी जो औकात ऐसी है कि वो लोग जज के सामने जाके बैठेंगे उसके ऑफिस में और उसका मन जान लेंगे, वैसे नहीं होना चाहिए एक्चुअली, दोनों के का बराबरी का ये होना चाहिए, लेकिन इन लोगों का ऐसा रिश्तेदारी होता है कि सामने जाके बैठेंगे तो वो जज उनको बैठाएगा ऑफिस में, यानी कोर्ट में नहीं, ऑफिस में, उनके चेंबर में वो जाके बैठेंगे तो जज बता देता है, या तो कम से कम इशारा कर देता है, हिंट दे देता है कि देखो ये तुम हारने जा रहे हो, ऐसे नहीं बोलेगा, वो बोलेगा तुम सेटलमेंट कर लो तो बेटर है, उस उतना बोल देता है, कुछ इशारा दे देगा वो, ओके। और इशारे के लिए उसको कुछ ना कुछ मिल भी जाता होगा, तोहफा मिलता होगा कहीं ना कहीं से, जरूर जरूर सर। लेकिन ये जो हिंट दे देते हैं ना, फिर क्या करेंगे ये लोग आके तुम्हारे लॉयर को, एक तो ये कर सकते कि तुम्हारे लॉयर को फोड़ सकते हैं, क्योंकि इनका बड़ा लॉ फर्म होता है, तुम्हारा लॉयर छोटा वाला बंदा है, तो उसको बोलते हैं अरे बेटा तुझे एक बड़ा केस देने का है, तो उसको 2000 रुपया पर ईयरिंग का केस लेने की आदत है, तो उसको एक 20,000 रुपया पर ईयरिंग का एक केस दे देंगे, तुम्हारा बंदा खुश उसको बोल देंगे, उसमें मतलब गलत पूरा ये लोग मैनेज कर लेते हैं, मैनेज कर और अपना इज्जत बचा लेते हैं ये बिल्डर लोग, करेक्ट। और फिर तुम्हारा बंदा उसके बाद तो पूरा इंटरेस्ट लूज कर देगा, तुम्हारे केस को रखड़ा देगा, बराबर। अल्टरनेटिवली क्या होगा, चलो जज ने इशारा दे दिया ना, तो नेक्स्ट टाइम होने से पहले ही वो तुम्हारे बंदे के कान में डाल देते हैं, देखो तुम्हारा क्लाइंट केस हारने वाला है, एक्चुअली जीतने वाला है, तुम्हारा क्लाइंट केस हार जाएगा, ओके, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग सेटलमेंट के लिए बुला रहे हैं, सेटलमेंट कर लो, काम खत्म करो। एक्चुअली बिल्डर के दिमाग में क्या है कि ये बंदा अगर जीत गया तो इसी का केस लेके और 50 लोग वही बिल्डिंग में से केसेस जीतेंगे, क्योंकि एक केस जीत जाएगा तो वही केस दिखा के जीतेंगे कि उसके उसको जो मिला वही मुझे चाहिए, सेम चाहिए, बराबर सेम। तो वो ऑर्डर आना नहीं चाहिए या वो जजमेंट आना नहीं चाहिए, इसलिए ये क्या करेंगे, चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते। अच्छा सेटलमेंट पे पहले ये करेंगे कि उसको सूखा रोटी डालेंगे, उसको झूठ बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम तो हारने वाले हो, तुम्हारा केस का क्या, वगैरह वगैरह। लेकिन चलो समझो कि वो बंदा मानता नहीं है, सपोज थोड़ा शाना है, वो कहता है नहीं नहीं मैं तो जीतूंगा, चलो देख लेते हैं, जजमेंट आने दो। बाई चांस अगर ऐसा होता है तो
तो फिर क्या करते हैं, चल यार इसको थोड़ा घी वाला रोटी खिला के चुप कर दो। उसको चुप कर दिया, फिर वो लोग वो नेक्स्ट वो जजमेंट के तारीख आने से पहले ही कोर्ट के सामने तैयार हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, सर हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया है, तो कंसेंट टर्म्स ये साइन कर लिए हैं, तो ही वांट्स टू विड्रॉ द केस। तो ये बंदा केस विड्रॉ कर लेगा, हो गया। काम खत्म। और दूसरे लोगों को केस करना है तो वो लोगों को वापस एबीसी से शुरू करना होगा, एबीसी से शुरू करना है। सही है सर, आपने बराबर बोला, इसलिए लोगों को न्याय नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा न्याय के प्रति, न्याय की प्रतीक्षा भी ये लोग करते ही नहीं इसी की वजह से, राइट। तो ऐसे ऐसे करके ये लोग जिसे जीतते हैं तो अपना बहुत लक बाई चांस से एक आध बिल्डर हार जाता है। तो सर मैंने आपके वीडियोस देख के, मैंने फिर जो भी मेरे फ्रेंड्स थे जो भी रूम लेने वाले थे, अभी मतलब हमारा तो एज है लेने का मतलब 30 इयर्स, तो मतलब हम लोग देखते ही है, राइट। तो मैंने दोस्तों को इतना ही बोला कि तुम कहीं पे भी जाओ पर लोढ़ा में मत जाओ, राइट, और शाहपुर जी पालन जी में मत जाओ, राइट। मैंने कोई भी बिल्डर के पास नाम मैंने बोलते कोई भी बिल्डर के पास मत जाओ यार, कोई भी बिल्डर के पास मत जाओ। एक भी बिल्डर भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये सब लोगों के एक या दो ऐसे गिने हुए लॉयर्स हैं। तो मैंने उसको इतना ही बोला कि तेरा कोई लोकल बिल्डर होगा ना जिसका खुद का जमीन है और वो खुद अभी डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें ले ले, चलेगा, पर ये लफड़े में मत पड़, राइट। वो उनको मतलब एग्रीमेंट करने भी नहीं बोलता है, जब तक मेरा काम नहीं होता है तब तक तुम थोड़े थोड़े पैसे देते रहो और एंड में एग्रीमेंट कर लो, तो बात भी अच्छी हो जाती है, स्टैम्प ड्यूटी भी कम हो जाती है। छोटा बिल्डर का भी क्या है, उसी हर एक के लफड़े हैं, बड़े बिल्डर के बहुत लफड़े हैं, लेकिन छोटे बिल्डर के भी अपने अपने लफड़े होते हैं, लफड़ेबाजी होता है। उन लोगों को सब कैश में चाहिए सर, छोटे लोगों को कैश करे, कैश में चाहिए, कैश चेक करेगा, कैश चेक करता है पूरा, फिर वो बोलेगा कैश लिया है इसका सबूत क्या है, तुम उसके भरोसे पे रहो, और वो उसको चेक नहीं चाहिए, भाई मेरे को टैक्स लगेगा, चेक नहीं दो, कैश दे दो, ब्लैक में जितना कर सकते उतना कर दो, मैं उसको करता, राइट राइट। लोगों का हो जाता है काम, कुछ लोग तो अटक जाते हैं तो वो भी अटक जाते हैं, वो सब है। और वो फिर सिर्फ बड़े बिल्डर्स जहां तक मैं समझता हूँ गुंडागिरी पे नहीं आते, वो लोग वकीलों को रख के लीगल गुंडागिरी करेंगे, छोटे वाले गुंडागिरी पे आ जाएंगे। प्रॉब्लम बहुत है, ये प्रॉब्लम बहुत है, बस आप जो वीडियोस डालते रहते हो और लोगों को बताते रहते हो चीजें, फिर वो कंटिन्यू रखिए सर काम, श्योर वी नीड सच गाइडेंस सर, थैंक यू। नहीं इसीलिए लड़ने वालों को है ना, मेरा एक ही बात रहता है हर एक लोगों से, मेरी एक ही बात रहती है यार, अपनी आवाज खोलो, आप बोलो, आप चुप मत रहो, आप बच के पतली गली से मत जाओ यार, आप लड़ो यार, आप लड़ोगे तो कुछ ना कुछ होगा, और लड़ो और पब्लिक में लड़ो, खुल के लड़ो, चौड़ा होके लड़ो, कुछ ना कुछ बदलेगा।